हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। इस पे मैं बना रही हूँ मुरादाबादी चिकन पुलाव की रेसिपी। एंड आई होप आपको मुरादाबादी चिकन पुलाव पसंद आएगा। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसे बनाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक ही बर्तन में बन के तैयार हो जाता है। और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल से ये टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी, जो कि बहुत यूनिक होती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव के साथ में, या फिर आप इसे बूंदी वगैरह के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो ये सैलड वगैरह के साथ भी। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। इसे बनाने के लिए सबसे तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेसल लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होते ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज। लेकिन अगर आप सरसों के तेल में बना रहे हैं बिरयानी, तो आप पहले सबसे अच्छे तरीके से ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें, तो आप इसमें आराम से बना सकते हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सरसों के तेल में बिरयानी नहीं बनानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैं हमेशा सरसों के तेल में ही बिरयानी बनाती हूँ। तो आप भी पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। तो मैंने ऑयल को यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 2 तेज़ पत्ते मैंने ऐड कर दिए, 3 मैंने काली इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्चें, 4 से 5 हरी इलायची। तो ये बेसिक से मसाले मैंने ऐड कर दिए। इसको अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी ऑयल में अच्छे से ऐड हो जाए। देखिए प्याज हमारी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो रही है। देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है, तो हम यहाँ पर जो चिकन है वो ले रहे हैं 700 ग्राम। चिकन की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। 700 ग्राम चिकन में बिरयानी में बनाने वाली हूँ। अब हम चिकन को यहाँ पर प्याज के साथ में अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे। इससे जो बिरयानी का टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी चिकन बनाती हूँ, कोरमा या कुछ भी, इससे पहले ऑयल में अच्छे से मैं तल लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 8 से 10 कटी हुई हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने बीच में से ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। चिकन और सारी चीज़ें अच्छे से भुनती रहेंगी। तो चिकन अब काफ़ी अच्छे तरीके से भुन गया है, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं यहाँ पे 2 ग्लास लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस थे, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया था, पानी निकाल के मैंने यहाँ वेसल में इसको ऐड कर दिया है। और जैसे 2 ग्लास चावल है, तो हम यहाँ पे 3.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे टोटल चावलों को गलाने के लिए। तो मैंने टोटल जो है 3.5 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जो भी आपका टेस्ट हो। मैं 2.5 चम्मच नमक ऐड करूँगी, यानी 2.5 टीस्पून नमक इसमें ऐड करूँगी। तो नमक हमने ऐड कर दिया है, गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। चाहे तो हल्के हाथ से आप इसे चला सकते हैं, वरना आप इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे तो नमक खुद ही अच्छे से ऐड हो जाता है। तो मैंने हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक इसको पका लिया है। तो बिरयानी बस दम लगने के लिए तैयार है। तो अगर आप इसी स्टेज पे कलर वगैरह या केवड़ा वाटर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पिंच रेड फूड कलर ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड करूँगी केवड़ा वाटर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिरयानी या कौरमे वगैरह में केवड़ा वाटर ही ऐड करते हैं, हलवाई वगैरह भी। और इसे कवर करके रख देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे, एकदम स्लो फ्लेम पर जो है हम 5 से 6 मिनट इसे दम पे छोड़ेंगे। दम लगाने से बिरयानी के चावल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। एकदम खिला खिला चावल बन के तैयार होता है। तो जब तक बिरयानी में दम लग रहा है, मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चों को एक मिक्सर जार में ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं 2 पिंच नमक इसमें ऐड कर दूंगी और इसकी बहुत ही अच्छे से चटनी बना के तैयार कर लेंगे। टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी है ये। इसके अलावा इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करना है। तो चलिए, ये हम पुलाव के साथ में टेस्टी चटनी बना के तैयार कर ली है मैंने। और इसके बाद में 6 मिनट हो चुके हैं एकदम स्लो फ्लेम पर बिरयानी में दम लगते हुए। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि हमारे पुलाव की क्या हाल चाल है, यानी पुलाव हमारा बन के रेडी हुआ है कि नहीं।
तो आप देख सकते हैं हमारा पुलाव जो है बन के रेडी हो गया है। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो चलिए हम इसको सर्व करने वाले हैं। अब हम इसको यहाँ पे सर्व करेंगे। देखिए एकदम खिला खिला पुलाव बन के तैयार हुआ है। एक एक चावल इसका खिला खिला बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए चिकन का बहुत ही टेस्टी पुलाव बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। बहुत यम्मी चिकन पुलाव बनके तैयार हुआ है। और ये टमाटर की चटनी बनाई है वो तो बहुत ही स्पेशल बना देती है इस पुलाव को। तो मैं हमेशा टमाटर की चटनी या फिर बूंदी के रायते के साथ ही सर्व करती हूँ। और ये इतना टेस्टी पुलाव है, इसमें अगर आप टमाटर की चटनी बूंदी के रायता नहीं भी ऐड करेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी पुलाव बनके तैयार हुआ है। एकदम यम्मी सा फ्लेवर है इसका। और ये टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है इस पुलाव के साथ में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर जाएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।